नमस्कार मेरे हिंदी राशि के मित्रों, स्वागत है आप सभी का अनुशन एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और आज मैं बात करूंगा मंथ ऑफ फरवरी यानी कि आपकी राशि एरी राशि की मंथ ऑफ फरवरी में क्या स्थितियां रहेंगी और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करना चाहूंगा। तो हेल्थ के मामले में कहूंगा कि इस समय आपके राशि लॉर्ड मंगल बहुत ही कमजोर स्थिति में, अपनी ही राशि में एट्थ हाउस से जा रहे हैं। और वहीं अगर देखें तो साथ ही साथ चंद्र राहु का एक योग जो फोर्थ हाउस में भरा हुआ है। चंद्रमा हालांकि अपनी राशि के हैं लेकिन राहु के साथ मिलने से अब चंद्र राहु और मंगल का एक ऐसा एंगल बन गया है जिसमें आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसमें आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, आपको माइग्रेन परेशान कर सकता है, आपको हार्ट के आसपास अजीब तरह की फीलिंग हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और ख़ासतौर पर वो लोग जिनको घुटनों की कोई भी दिक्कत है, निश्चित तौर पर आपको सावधान रहना होगा। अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं, अपने पेट को मेंटेन कर लेते हैं, अपने गुस्से को काबू कर लेते हैं और ज़्यादा जोश में काम नहीं करते, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा महीना आपके लिए हेल्थ वाइज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ तो आपके सेकेंड हाउस का कारक और थर्ड फिफ्थ सेवन्थ ये सारे के सारे रिलेशन हैं, वहाँ फोर्थ हाउस भी, अलग अलग रिश्तों में अगर मैं देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार में एक मेल मिलाप की स्थिति आ रही है। लेकिन साथ ही साथ मंगल, क्योंकि परिवार घर को कुटुंब को एक्सटेंडेड फैमिली को देख रहे हैं, तो आपकी अग्रेसिवनेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सॉफ्ट रहें, दूसरों की बात को लिसन करने का एक गुण अपने अंदर इस समय डाल लें, तो निश्चित तौर पर परिवार में जो कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, कहीं आपका मेल मिलाप कुछ लोगों से होने वाला है तो बहुत अच्छा बन सकता है। उसमें आपको राहत भरा, एक सुकून भरा समय जो है आप स्पेंड कर पाएंगे। नहीं तो पैसे लगाकर भी आप कहीं ना कहीं कुछ बुरी स्थितियों से ही गुजरेंगे। ये बात अलग है कि आप शोर शराबा करके या अपने तरीके से उनको डोमिनेट कर पाने में सक्षम रहेंगे, नो डाउट। पर मैं कहता हूँ कि जो चीज़ प्यार से शांति से हो सकता है उसके लिए गुस्सा किस लिए करना। अगर बहन भाइयों की बात करूँ तो निश्चित तौर पर इस बार उनसे आपकी कुछ तकरार हो सकती है लेकिन उनका साथ भी आपको मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रही हैं कि कुछ उलझने होंगी, कुछ अपनापन होगा, कुछ शिकायतें रहेंगी, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे जो ये आपकी बात को सराहेंगे, लेकिन बीच में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आप में कुछ ना कुछ बुरा डालने की कोशिश करेगा। अगर वहीं मैं माँ बाप की बात करूँ तो निश्चित तौर पर माँ का साथ हमेशा की तरह आपको मिलता रहेगा और चंद्रमा इस समय तो बहुत अच्छी पोजिशन में है। राहु का साथ जरूर थोड़ी चिंता उनकी हेल्थ को लेकर देगा, अदरवाइज मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छी स्थिति होगी। वहीं पिता का संबंध भी मैं एक अच्छा संबंध देख रहा हूँ, जिनके कई बार क्या होता है कि फादर दूर रहे होते हैं या फादर पास्ट भी हो चुके हों या कोई कारण हो सकता है कि पिता के साथ आप डिटैच हों, तो ऐसी स्थिति में कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकती हैं। बाकी तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि माता पिता का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिसकी आप पूरा लाभ लेने वाले हैं। जहाँ तक बात है संतान की, जब मैं संतान की बात करता हूँ तो निश्चित तौर पर सूर्य आपके संतान के कारक हैं और संतान के कारक सूर्य आपके इस समय आपके स्टेटस को राइज करने में, तो संतान की ओर से कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेगी जिससे आप प्राउड फील करेंगे और प्राउड मोमेंट आपके लाइफ में आएगी और आपको लगेगा कि नहीं कहीं मैं गलत था। तो लेकिन साथ ही साथ कुछ बौखलाहट, कुछ चिंता जरूर रहेगी। एग्जाम के दिन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। संतान प्राप्ति के लिए निश्चित तौर पर ये एक अच्छा समय नहीं है, मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, थोड़ा सावधान रहे, इसमें ही आपकी भलाई होगी। और अगर आप खुद एजुकेशन में हैं तो आपको अथाह प्रयास करना होगा, ये ध्यान रखें। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हमें कमजोर स्थितियाँ में ला सकता है। निश्चित तौर पर सूर्य एक बहुत अच्छी पोजिशन में है, शायद आप कहीं को ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक आपके सेवंथ हाउस की बात है, निश्चित तौर पे जुपिटर आपके सेवंथ हाउस से गुजर रहे हैं, आपके भाग्येश भी हैं, द्वादेश भी हैं, तो जुपिटर का सेवंथ हाउस में एक सेलिब्रेशन का संयोग से योग जो है वो बना हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि सेलिब्रेशन है लेकिन आपका गुस्सा आपका रवैया इस सेलिब्रेशन को कहीं ख़राब करता है, तो निम्रता अपने अंदर लेके आएँ, पेशेंस लेके आएँ, सही समय का इंतजार करें तो अच्छी बात होगी। शादी विवाह के लिए अगर आप खुद शादी करवाना चाहते हैं तो एक अच्छा समय आपको आगे बढ़ने के लिए है, आप कोई मैट्रिमोनियल में अपना नाम दे सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी बहुत अनबन जरूर रहेगी और लेकिन मेजॉरिटी आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से करने में मेंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक बात है आपके आप अगर किसी तरह का मान लो शादी नहीं है तो कोई इनविटेशन हो सकता है,
ट्वेल्थ हाउस के साथ संबंध है, तो कोई ओवरसीज शादी हो सकती है, कहीं दूर जाकर आपको शादी अटेंड करने का मौका मिल सकता है, ऐसा कोई इन्विटेशन आ सकता है जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि खुशी के कामों में इस समय पार्टिसिपेट करना कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। वहीं प्रेम संबंधों की अगर बात करूँ तो निश्चित तौर पर इसमें एनर्जी दिख रही है, लेकिन इसमें अभी किसी को अपने प्यार का इजहार करने का समय नहीं है। थोड़ा सा इंतजार कर लें, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो आप अपने दिल की बात सामने वाले के सामने रख सकते हैं, तो इसमें आपको फायदा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप फिर से कहीं मार खा जाएं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिला के एक अच्छी स्थिति आपके चार्ट में बनी हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छा कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं आपका बना हुआ है। जब मैं आपके घर और गाड़ी की बात करता हूँ तो निश्चित तौर पर जो आपने ऑलरेडी कर ली है आपको चेंज करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि इसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मंगल को जो आपके राशिपति हैं इस समय आपके आपके सर्वे सर्वा हैं, उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है, इसलिए कोई भी जोखिम आप गाड़ी के मामले में अभी ना लें। और खासतौर पे लाल रंग की गाड़ी तो इस समय बिल्कुल ना खरीदी जाए, क्योंकि मंगल और शनि बिल्कुल साथ साथ बैठे हैं, तो ये दुर्घटना का कारण बन सकती है। घर के अंदर प्रॉपर्टी से जुड़े झगड़ों में सुलझाव के साधन आपके लिए भी बनते जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। खरीदने के मामले में मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पे इसमें आपको सफलता, एक जैसे थोड़ा बात आगे बढ़ी फिर रुक गई, थोड़ी बात फिर आगे बढ़ी, तो इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें आप कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए। तो जल्दबाजी में वैसे भी काम करना कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर देता है। अब मैं लौट के आऊँ कि ये घर गाड़ी हेल्थ ये सब चीज़ों के लिए, सबको मानने के लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसे के लिए चाहिए हमें बिजनेस, नौकरी, ये सारे साधन के किस तरह से पैसा आएगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके लिए नौकरी के साधन बहुत संयोग से बहुत जोर से बने हुए, इस समय में इंटरव्यू में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आपको एक नहीं दो तरह की जॉब के ऑफर मिलेंगे, जिसमें आपको चाहे कम पैसे की जॉब हो लेकिन वो लिमिटेड कंपनी में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उसको आप बिल्कुल पकड़ लें। अगर आप ज़्यादा पैसे चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहिए, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल जाएगी। जब मैं देखता हूँ कि नौकरीशुदा जो लोग हैं, मैं कहूँगा कि आपके लिए निश्चित तौर पे बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव आपकी तरक्की के लिए हुए हैं, आप निश्चित तौर पे बदलाव करना चाहते हैं नौकरी में या किसी चीज़ में, तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं, और इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा प्रयास आपको थोड़ा और करना चाहिएगा, आने वाले दिनों में आपको इसमें पूर्णतः सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक ट्रांसफर की बात है, बहुत सारे लोग ट्रांसफर चाहते हैं कि बहुत दिन हो गया मुझे वहाँ जाना है, तो ये आपकी इच्छा अनुसार ट्रांसफर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस लोगों को कहूँगा कि आपके बिजनेस में कॉन्टैक्ट लेवल आपका बढ़ रहा है, आपको देश विदेश से कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आप अपने क्लाइंट बेस को बढ़ा पाएंगे, आपको नए नए वेंचर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको सम्मान भी मिल सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप कुल मिला के एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में और अच्छे रेपुटेशन को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब जब चीज़ें अच्छी हैं तो पैसे का संबंध क्या होगा, निश्चित तौर पे आप अपने कर्म के माध्यम से पैसे को बना पाएंगे, पैसे का लाभ मिलेगा। अगर आपने कोई क्लेम कर रखा है और आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो निश्चित तौर पे इस क्लेम को आप विजय करेंगे, उससे भी आपका पैसा जो है आपके पॉट में आ जाएगा, ये एक अच्छी बात है। तो पैसे की मैं ये कहूँगा कि चीज़ें जो है पैसे जुड़ी हैं वो आपके लिए बेहतर होती चली जाएँ, आप इसका पूरा आनंद लेंगे। वहीं जब मैं ट्वेल्थ हाउस की बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा ओवरसीज़ जर्नीज हो सकती है, पिलग्रिमेज की बात हो सकती है, आपको किसी शादी में जाना पड़ सकता है, या जनरली आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सुकून भी साथ में चाहिए, चलो मैं ले लूँ, तो मुझे लगता है कि यात्राओं का सिलसिला भी इस बार बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को इस महीने में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो मैंने कही है, उनको आप बिल्कुल लें। साथ ही साथ अपने अपने गुस्से पे काबू रखें, आप बहुत एग्रेसिव ना हो। अगर आपने इन सब चीज़ों को मैनेज किया तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि मंथ ऑफ फरवरी आपके लिए एक बहुत अच्छा महीना साबित होने वाला है, बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अब उपाय, आप कहेंगे कि कोई ना कोई उपाय जरूर बता दिया जाए, तो मैं उपाय में कहना चाहूँगा कि आप अगर हो सकता है तो इस समय के दौरान कुछ ऐसा करें जिसमें आप हनुमान जी आराधना, हनुमान आराधना करना, हनुमान जी को रंग चढ़ाया जा सकता है, ये हो सकता है, या अपने अपने घर के बड़े, या ये कहें कि जो विधवा विडो लेडीज़ होती हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प करें, जिससे आपको लाभ होगा और आपका ये मंथ जो है उसमें जो कमियां हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई आगे बढ़ जाएगी। तो कुल मिला कहूँगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, और आप इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और वीडियोस जो है आपके सामने आपके राशि का हाल लेके आता रहूं। तो अब मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में मार्च महीने के राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।